फैजान एक बार फिर हम आपसे मिल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बैकड्रॉप देखते ही कुछ अलग ही हमें दिख रहा है, फैजान के साथ और भी कुछ दिख रहा है, साथ ही आज कुछ आप अलग ही अवतार में दिख रहे हो, प्लीज बताइए क्या कुछ आप सरप्राइज दे रहे हो सभी को। देखिए एक्चुअली एक रियलिटी शो आ रहा है अमेजॉन टीवी पे, जो इंडिया का फर्स्ट यूनिक रियलिटी शो है, जिसके होस्ट ऋत्विक जैनवानी है, जो बॉलीवुड के वेल नोन ऑलरेडी होस्ट हैं, उसमें शिल्पा शेट्टी मैम है, उर्फी जावेद हैं, मैं एज अ टॉप 3 कंटेस्टेंट में उसमें सिलेक्ट हुआ हूँ, तो उसका अनाउंसमेंट के लिए मैंने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, और उसमें भारती सिंह और हर्ष भी हैं। फिर किस तरीके का शो है ये और क्या कुछ देखने मिलेगा इस शो? ये बहुत यूनिक तरह का रियलिटी शो है, इसमें डेट बाजी से आपको समझ में आ रहा होगा कि डेटिंग से रिलेटेड है, बट इसमें फैमिली डिसाइड करेगी कि किसकी डेट कौन किसके साथ डेट पे जाएगा, तो एक बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है। अभी इसमें 9th एपिसोड ऑलरेडी शूट हो चुके हैं, हमारा शूट हो चुका है, जैसे ऑन एयर होगा आपके सामने सब डिटेल्स आ जाएंगे। Well, आपने आपके डेट के लिए क्या कुछ सोचा है, आपके मन में क्या कुछ चल रहा है, किस तरीके की लड़की आपको पसंद है? देखिए मुझे बहुत सिंपल लड़की पसंद है, बहुत डाउन टू अर्थ लड़की पसंद है, मतलब जैसा मैं हूँ मुझे ऐसे लोग ज़्यादा पसंद हैं, तो अगर मैं उसमें सेलेक्ट होता हूँ डेट के लिए तो कुछ अलग ही इंटरेस्टिंग वहाँ पे करूँगा, और एंटरटेन करना मेरा काम है, पहले से लोगों को एंटरटेन करता आ रहा हूँ और अभी भी एंटरटेन करूँगा। जिस तरह से आपने बताया उर्फी भी है, भारती भी है, क्या कुछ चेंजेस? देखिए मैं तो अपने आप को बहुत ही लकी समझता हूँ कि शिल्पा शेट्टी मैम इस शो में हैं, उर्फी जावेद इस शो में है, मतलब भारती सिंह है, इतने बड़े बड़े नाम के साथ अभी फैजान अंसारी का नाम भी जुड़ रहा है, तो मैं अपने आप को बहुत लकी समझता हूँ और अपना 100% देने की कोशिश करूँगा। और भी क्या कुछ इस शो में देखने मिलेगा, क्योंकि बहुत से ऐसे रियलिटी शो है जिसे लोग पसंद करते हैं, लेकिन इस रियलिटी शो में क्या कुछ अलग है? इसमें सबसे अलग तो ये बहुत से ऐसे शोज बने हैं राइट, बट इसमें फैमिली डिसाइड करने वाली है, जैसे टोटल 8 कंटेस्टेंट होंगे, उसमें से टॉप 3 कंटेस्टेंट सेलेक्ट होंगे, जो उनमें से एक कोई डेट पे जाएगा उस बंदी के साथ, तो उनके पेरेंट्स या उनका फैमिली मेंबर कोई डिसाइड करेंगे, तो बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है। तो मैं बहुत लकी समझता हूँ, अगर उर्फी मेरे साथ हैं तो मैं हमेशा से उनको पसंद करता ही उर्फी को, और उर्फी ऐसा नाम है आजकल के बहुत टॉप पे जा रही हैं, तो मैं मुझे बहुत प्राउड है उनके ऊपर भी, और अपने ऊपर मुझे बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि मैं इतने बड़े लोगों के नाम के साथ अभी इस शो में दिखने वाला हूँ। लेकिन आपको उर्फी के तो क्वालिटीज पता ही है कि क्या कुछ उनके अंदर क्वालिटीज है, क्या आपको भी उनकी क्वालिटीज पसंद है? देखिए आपके अपनी सबकी अपनी अपनी अलग इमेज होती है, अपनी अपनी आइडेंटिटी होती है, तो उर्फी की इमेज अभी वैसी बन गई, बहुत ज़्यादा बोल्ड है, बट मुझे लगता है कि ये भी अपने आप में एक टैलेंट है, ये भी इतना ईजी नहीं है, सो मैं चाहता हूँ कि ये बहुत शो आगे तक जाए, आप लोग पसंद करें, और थैंक यू सो मच 20 मिलियन पीपल का जिन्होंने मुझे पसंद किया, पहले जितनी मेरी इंटरव्यूज थे वीडियोज थे बहुत ज़्यादा लोगों ने वर्ल्ड वाइड वायरल करें, उन सब की वजह से शायद मुझे शो में एज अ कंटेस्टेंट चांस मिला। लेकिन आपने कहा है कि आपके पेरेंट्स भी आएंगे शो में राइट, तो क्या लगता है? नहीं, लड़की जो होगी उसके पेरेंट्स आएंगे। तो क्या लगता है लड़की के पेरेंट्स आपको हाँ बोलेंगे, क्योंकि इसके पहले भी हमने देखा था कि पाकिस्तानी जो वायरल गर्ल थी उसके साथ भी आपका निकाह होने वाला था, क्या उर्फी आपको हाँ बोलेगी? देखिए मुझे तो लगता है कि मैं थोड़ा सा डिफरेंट हूँ आम लोगों से, मैं थोड़ा यूनिक हूँ, तो मुझे लोगों को पसंद करना चाहिए, शायद तभी अमेजोन ने मुझे इतना बड़ा मौका दिया है और टॉप 3 कंटेस्टेंट ने मेरा नाम दिया है, तो मुझे तो लग रहा है कि मैं थोड़ा सा डिफरेंट हूँ, बाकी सब शो में आप सब देख ही लेंगे। मैं यही कहना चाहता हूँ जिन्होंने मेरा हमेशा सपोर्ट किया है, पूरे वर्ल्ड वाइड से जिन्होंने इतना प्यार दिया है, 20 मिलियन लोगों तक मेरा वीडियो वायरल हुआ है, सब मीडिया पब्लिकेशन को थैंक यू, और उन लोगों का जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, जिनकी वजह से शायद मुझे मौका मिला है, और अभी ये शो जीतने के बाद मैं फिर आप लोगों से मिलूंगा ज़रूर, मेरा पूरी उम्मीद है। डेट बस यस यस ये रे साथ ही शिल्पा मैम के साथ क्या आपने एक भी एपिसोड किए हैं? देखिए इसमें अलग अलग उन्होंने डिवाइड करी कैटेगरीज, वो सब आपको शो में देखने को मिलेगी, शिल्पा मैम भी हैं, अगर आप अभी गूगल करेंगी तो उर्फी जावेद हैं, भारती सिंह हैं, मैं हूँ, तो अभी 9th एपिसोड शूट हुए हैं, बाकी सब धीरे धीरे अभी लाइव होने बाकी हैं शोज, और बहुत ही यूनिक शो है जिसमें उसका टैग लाइन ये है कि अब फैमिली है राजी तो होगी डेट बाजी, सो बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, और मैं बस एंटरटेन करना चाहता हूँ, मैं एंटरटेन करने के लिए लोगों को बना हूँ, और मुझे इतना प्यार लोगों ने इंस्टाग्राम पे दिया, अभी लाखों लोग फॉलो कर रहे हैं, जिनको नहीं पता उनको एक बार फिर बताना चाहता हूँ, मेरा इंस्टा हैंडल है faizan.bollywood, लोग मुझे बहुत अभी धीरे धीरे पसंद कर रहे हैं, तो मैं बस इंटरटेन करने के लिए बनाऊँ और ट्राई कर रहा हूँ कि इस शो में भी सबसे ज़्यादा एंटरटेन करूँ ये नए कॉस्ट्यूम के साथ। साथ ही ये शो कब से आ रहा है, कब देखने मिलेगा? ये शो तो ऑलरेडी आ रहा है, 9th एपिसोड मैंने बताया शूट हो चुके हैं, बाकी और 11 एपिसोड शूट होना बाकी हैं, सो काम उस पर काफ़ी देर चला, ऋत्विक जैनवानी ने बहुत अच्छा होस्ट किया पूरे शो को, उन्होंने बहुत अच्छा मसाला डाला पूरे शो में, बहुत मज़ा आया हम लोग को शूटिंग के टाइम, बहुत इन्जॉय किया हमने। तो हम आपको यही बेस में देखने वाले हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली, तभी ये मैं कॉस्ट्यूम में आपके सामने आया हूँ, उसमें मैं एक अरबी बन दिखूँगा आपको, उसमें एक अलग ही चीज़ है वो, तो आप थोड़ा सा वेट करिए, वो जल्दी आपके सामने आएगा। क्या लगता है हाल ही में हमने अब्दू को भी ऐसे ही कुछ बेस में देखा,
अगर वो दुबई से आते हैं जब भी ऐसा ही कुछ उनका right. कॉस्ट्यूम होता है, आप भी उनकी तरह ऐसे ही फेमस होंगे? नहीं ऐसा नहीं है, देखिए मुझे तो अमेज़ॉन ने जैसा पसंद किया मैं आप लोगों के सामने वैसा हूँ, मेरी इमेज वैसी बनती जा रही है, तो मैं तो एंटरटेन करने के लिए देखिए लोगों को आया हूँ, जो मुझे कॉन्सेप्ट देंगे जो स्क्रिप्ट देंगे मैं उसमें हमेशा सबके सामने आ जाऊँगा। बिग बॉस 16 आप कितना फॉलो कर रहे हैं? बहुत फॉलो कर रहा हूँ बिग बॉस 16 में, हमें सारे बिग बॉस के शोज़ में देखता हूँ, मतलब अगर टाइम जितना मिलता है उसमें मैं देखता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि वो इंडिया का सबसे बड़ा शो तो ऑलरेडी है ही, हमेशा उस जैसा शो मुझे नहीं लगता कि उस जैसा शो दोबारा आ पाएगा। देखिए ये तो कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि सभी कंटेस्टेंट जो बिग बॉस है जो कलर्स की टीम है वो ऐसे शॉर्टलिस्ट करते हैं लोग के सभी एक से बढ़कर एक होते हैं, तो एमसी स्टेन मुझे शुरू से खैर पसंद है, उनके वो बहुत ज़्यादा वायरल है, लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं, तो मुझे लगता है कि साजिद खान के साथ में बहुत ज़्यादा सपोर्ट में था पहले, बट अभी अनफॉर्चुनेटली वो शो में नहीं है, तो एमसी स्टेन के चांसेस मुझे लगते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। देखिए मैं अपने आप को पहले तो मैंने बताया था बहुत लकी मानता हूँ कि जिस शो में मैं हूँ उस शो में इतने बड़े बड़े नाम हैं, उर्फी जावेद हैं, शिल्पा शेट्टी मैम है, भारती सिंह हैं, सो मैं देखिए उर्फी ऐसी कॉस्ट्यूम में रहती है हमेशा, मैंने तो खाली सिर्फ केक काटा है, सो ऐसा कुछ नहीं है, बट ये है कि उनको इस कॉस्ट्यूम उनको ये पहनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है उर्फी जावेद को, तो मैं तो केक काट ही सकता हूँ। और भी बहुत से कलाकार हैं लेकिन सिर्फ आपने उर्फी ही क्यों चूज़ किया? क्योंकि मैं इनके साथ शो में हूँ इसलिए, ये मेन रीज़न है, ऑफकोर्स नहीं तो मैं उनका यहाँ पर नाम भी लेता रहूँगा। क्या लगता है उर्फी खुद के लिए तो ये सब चीज़ें पसंद करती है लेकिन आपने जब ये सब किया है तो क्या वो पसंद करेंगी? देखिए वो सबके अपने अपने ओपिनियन है, अगर उनको पसंद नहीं आए तो वो उनकी मर्जी है, मुझे तो जो अच्छा लगता है देखिए मैं वो करता हूँ, तो मैंने तो अभी केक काटा है, वो तो इस कॉस्ट्यूम में रहती हैं तो मुझे नहीं लगता कि किसी को कुछ प्रॉब्लम इसमें होना चाहिए। और क्या कुछ कहना चाहोगे, कैसे सोचा आपने ये कंसेप्ट उर्फी के बारे में? देखिए मुझे तो जैसे उर्फी जावेद का नाम मेरे माइंड में आता है कभी भी तो ये चीज़ सामने आ जाती है तो इसलिए मैंने बस माइंड में मेरे वही चीज़ आया कि उसी से कनेक्टेड कुछ होना चाहिए, तो बस इसलिए ऐसा हुआ है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलो
यही चलने का।